वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आज मैं क्या क्या चीज़ें लेकर के आई हूँ। ये आई एम सो एक्साइटेड। मेरी चाय बन गई, मैं ज़रा चाय देख लूँ। हॉस्टल में रहने वालों के ये हाल होते हैं। टूथपेस्ट भी वहीं पे, साबुन भी वहीं पे, बर्तन धोने वाला साबुन भी, ब्रेड भी। ये तो मैं अभी लेकर के आई थी और ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। जब आप किसी आउट ऑफ सिटी में रहते हो ना तो आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। यस, चीज़ वैल्यू से आज मैं क्या चीज़ करके लाई हूँ। सर्दियाँ ना तो मेरी अम्मी जो हैं वो कैप्स पहनती हैं। वैसे तो मैं मुल्तानी हर चीज़ उनके लिए लेना चाहती थी कि मुल्तान की मिले हर चीज़ मुझे, कि मुल्तान की क्या स्पेशलिटी है, कौन सी ख़ास चीज़ होती है, वो लेना चाह रही थी। लेकिन ठीक है, ये अम्मी के लिए कैप लिया मैंने और ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है। इन लोगों के लिए मैं अच्छे से शॉपिंग करूँगी, लेकिन अभी तो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास शॉपिंग कर नहीं पाई क्योंकि अभी बचत नहीं है मेरे पास में। बचत होगी तभी मैं कुछ ना कुछ ख़रीद पाऊँगी अभी, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे बोला था कि मेरे लिए आपने कहा लाना है, मेरे लिए लेके आना है आपने। एक हारून का बर्थडे था और उसने मुझे फरमाइश की है कि माशी मेरे लिए एक फ़ौजी वाली मौत कार लेके आनी है। आप ये सुने ज़रा क्या कह रहा है वो। माशी मैं फ़ौजी वाली मौत कार लाना तो ना ना। सो वो मुझे घर में एंटर नहीं होने देगा अगर उसकी ये फ़ौजी वाली मौत कार मेरे पास नहीं होगी। तो उसके लिए फ़ौजी वाली मौत कार लेकर के आए जनाब। और क्या लिए, ये कुछ चुटकियाँ ली हैं। दूसरी प्लास्टिक वाली तो बहुत महंगी थी, ये 185 की मिल गई तो इतने में ले ली मैंने। और ये एक शर्ट है मेरे भाई के लिए, उसका भी था बर्थडे, उसको मैं गिफ्ट नहीं दे पाई थी तो सोचा कि यहीं से कुछ चीज़ कर लूँ चीज़ वैल्यू से। आई थिंक SG ब्रांड है कोई, है ना SG। हाँ ये देखो, सेकंड जनरेशन। ओके सो ये कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, कपड़ा भी बड़ा सॉफ्ट सा था, अच्छा सा। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए ये एक शर्ट ले ली जाए। उसको वैसे तो मैंने बोल दिया था नो गिफ्ट दिस टाइम, बट फिर भी मैंने उसके लिए गिफ्ट ले लिया है। और ये भी जनाब हारून के लिए है, क्योंकि दूसरे बच्चों के लिए भी मैंने कुछ टॉयज़ लिए हैं। वो कहते कि हमारे लिए कुछ नहीं लाए तो उन लोगों के लिए भी ले लिए। एक हमारे घर की छोटी सी गुड़िया है, उसके लिए ये लिया है। और कुछ ये टॉयज़ हैं, ये किसके लिए है, क्या नाम है उसका, शजिया। देखो मैं बच्चों के नाम ही भूल रही हूँ। ये शजिया के लिए है, ये लिया मैंने सभी के लिए। इसको घूमता है और ये एक लट्टू है, इसको घुमाते हैं बाहर निकलता है, इसमें से लाइट भी जलती है। ये मैंने सावल के लिए लिया है। और जो हमारे हारून का साथी है, संगीत साथी, उसके लिए ये ले लिया मैंने कार। जनाब बच्चों के लिए कुछ खिलौने मैंने ले लिए। अभी मेरे पास इतना बजट नहीं था, इन सब चीज़ों पे भी अच्छे खासे पैसे लग गए मेरे। थोड़ी सी बचत कर रही थी लेकिन चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अच्छे से शॉपिंग करूँगी इन सब लोगों के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी बचत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ ख़रीद पाऊँगी अलबत्ता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे इज़ ट्यूसडे और आज है 15 नवंबर और मैं जा रही हूँ टिकट की बुकिंग करवाने के लिए और कुछ चीज़ें रह गई थी वो लेने के लिए। तो चलते हैं, चल के देखते हैं आज जो दिन है वो हमें कैसे ट्रीट करने वाला है। कुछ शॉपिंग थी, बच्चे एक दो बच्चे मैं भूल गई थी, उन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने थे। मैं एक्चुअली सुफियान को भूल गई थी। हालांकि मैंने उसके लिए लिया था, फिर बाद में मुझे लगा कि मैं शायद कुछ एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मैंने वो वापस रख दिया और मुझे वापस आना पड़ा है। और मैं चॉकलेट भूल गई थी, वो लेने हैं कुछ, टिकट बुक हो गई मेरी, सो कल मैं जा रही हूँ वापस। वेलकम बैक। सो अभी मैं कुछ खाने पीने के लिए लेने लगी थी कि कुछ खा लूँ। आज मैंने रात को मैंने कुछ नहीं बनाया था, मेरा 2 दिन है तो चलो ना, आज रात को कुछ बनाऊँगी ना, मैंने कल रात को कुछ बनाया था। सो अभी यूनिवर्सिटी हॉस्टल तो नहीं है, ऑफिस जा रही हूँ मैं। यूनिवर्सिटी में है ना हॉस्टल, तो इसीलिए अभी हॉस्टल की तरफ जाएंगे। हॉस्टल में ऑफिस जाना मैंने। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं मेरा। सो मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? आज दिस गॉगल्स आई लाइक इट। मेरे पास इतने सारे शेड्स हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं शेड्स देना, बहुत मज़ा आता है। एक तो आइज़ की वजह से, आइज़ की प्रोटेक्शन की वजह से मैंने पहनना शुरू किए थे, और दूसरा मैंने कब स्टार्ट किए हैं, बहुत अच्छे से स्टार्ट किए हुए थे। ये नहीं कि मैंने स्कूटर ली थी तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया, नहीं, मैं बहुत अच्छे से पहनती थी, क्योंकि मेरे ना आइज़ में जो धूप है ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत सेंसिटिव आइज़ है मेरी। धूप में मेरी आइज़ ओपन ही नहीं होती थी, तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने सोचा कि चलो मैं ना चश्मा लगाना शुरू कर देती हूँ, तो मैंने ये गॉगल्स लेना शुरू कर दिया। और पता नहीं मेरे बूथे से बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े ही हैं बूथे से मेरे, पर मुझे अच्छा लगते हैं। और दूसरा ये कि फिर काम भी आ जाते हैं, सेफ्टी भी रहती है आइज़ की। तो यहाँ पर क्योंकि एक खाद फैक्ट्री है, तो उसकी वजह से भी ये सामने खाद फैक्ट्री है, सो इसकी वजह से यहाँ से इतना अभी भी थोड़ी सी स्मेल है, वरना इतनी वो डस्ट होती है। अल्लाह, शुरू में बड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। हाथ जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाते, मैं मॉइस्चराइज़ करके रखती हूँ हाथों को, मुंह को। और शुरू में मेरे पास ऑयल नहीं था सर पे डालने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा सर में इतनी खुजली होती थी, इतनी ईचिंग होती थी, अस्तगफिरुल्लाह। बाल इतने ड्राई हो गए, इतना झड़ने शुरू हो गए ना। उसके बाद फिर मैंने जाके ऑयल लिया, और उस ऑयल की इतनी गंदी स्मेल है, नारियल का ऑयल है और इतनी गंदी स्मेल है उसकी, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता मुझे। मेरे यहाँ से सरसों का ऑयल ही नहीं मिल रहा था, फिर मैंने वही ले लिया। हालांकि मैं अपने नारियल का तेल ही लगाती हूँ, लेकिन बड़ा सोच समझ के लगाती हूँ। जो वाटिका होता है, या फिर एक और है ब्रांड, वाटिका है और एक और ब्रांड है नारियल का, नारियल के तेल का, तो वो मैं मोस्टली लगाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है मेरे बालों के लिए, ठीक रहता है। ये भी ठीक है। अब 2 घंटा पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर वॉश करती हूँ इनको, तो थोड़े से सेट हैं और झड़ना भी थोड़ा कम हुए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो इतना कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ड्राई है यहाँ का एटमॉस्फेयर। अभी सुबह इतनी ठंड लग रही थी मुझे, अभी इतनी तेज़ धूप हो गई हुई है ना कि गर्मी लग रही है, लिटरली गर्मी लग रही है। पसीने नहीं आ रहे बट गर्मी है। खैर, सो ये तो था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।